ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 25। तद्दिति अनभिसंधाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तो टू रिमूव एनी डाउट, बहुत समय से हम लोग चर्चा कर रहे थे सतोगुण तमोगुण रजोगुण की और अलग अलग कार्यों की, खास तौर पर यज्ञ तप और दान। हमने आपको पहले बताया था भगवान गीता में कहते हैं कि तीन कार्य कभी बंद नहीं होने चाहिए, जो कि हैं यज्ञ तप और दान। ये किसी को भी, ये शुद्धतम व्यक्ति को भी बंद नहीं करने चाहिए, नौसिखिए को भी बंद नहीं करने चाहिए। एक्सपीरियंस्ड हो या नॉन एक्सपीरियंस्ड हो, परम हंस हो या नव भक्त हो, ये काम बंद नहीं करने चाहिए। और भगवान ने समझा दिया कि जब ये काम, इसलिए भगवान ने इन कार्यों के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया ताकि फ्यूचर में कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि ये काम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तीन काम बड़े इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग नोट कर लीजिए, दान तप और यज्ञ। हमने अच्छे से समझा, दान तो आप जानते ही हैं, तप हमने समझा था। तप होता है जब हम कुछ पेन लेते हैं अपनी इच्छा से, और यज्ञ होता है सेक्रीफाइस, किसी वस्तु को त्यागना कह सकते हैं, वेरी लिटल वर्ड्स। भगवान ने बताया किसी वस्तु को यदि आप यज्ञ कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, अपने अपने बिलोंगिंग्स को, अपनी ओनरशिप को किसी को ऑफर कर रहे हैं, तो वो तीन प्रकार की चीज़ों के लिए करा जा सकता है। अंधकार में, अज्ञानता में, तमोगुण में, भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल उनको दे रहे हैं, जैसे कई बार कुछ गैंगस्टर्स को प्रसन्न रखने के लिए हम कुछ वस्तुएँ दे रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस, ताकि हमारी मेंटेनेंस बनी रहे, इसलिए हम उनको मेंटेन कर रहे हैं, है ना। दूसरा हो गया कि हम नाम शोहरत के लिए कुछ दे रहे हैं, या कुछ यज्ञ कर रहे हैं, या कुछ तप कर रहे हैं। तीसरा हो गया कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना चाहिए। अब करना चाहिए मतलब किसके लिए करना चाहिए, ये हमने पिछले श्लोक में सुना कि ओम तत्सत, कि ये सारे कार्य भगवान के लिए करने चाहिए, तो वो सतोगुण है। तो ये तीन काम बंद नहीं करने चाहिए, पहली चीज़। अब ये अगर कार्य करने चाहिए तो किसके लिए और किस भाव में करने चाहिए, वो हमने सुना कि ये कार्य तभी माने जाते हैं, तभी उसको दान माना जाएगा, तभी उसको तप माना जाएगा, तभी उसको यज्ञ माना जाएगा, यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो। अब इसके लिए हमें भगवान के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, भगवान का, भगवान से अटैचमेंट पैदा करनी पड़ेगी। तभी हमने सुना कि जैसे हम अपने परिवार वालों के लिए बड़ी आउट ऑफ लव कुछ कर देते हैं, दान तप यज्ञ सब कर देते हैं, लेकिन भगवान के लिए, यदि शास्त्र बताते हैं कि ऐसा ही भाव हमें भगवान के लिए पैदा करना है जैसा हम अपने परिवार वालों के लिए पैदा करते हैं, उसके लिए हमें शास्त्रों को पढ़ के भगवान के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि हाउ ग्रेट वो हैं, हमें कैसे हमारा पालन कर रहे हैं, हमारे नित्य हमारे साथ में रह रहे हैं, बड़े मर्सीफुल हैं, भक्तवत्सल हैं। जितना हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं उतना भगवान के प्रति प्रेम विकसित होता है, तब दान तब यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए शुरू हो जाता है, है ना। इसलिए इस श्लोक में भगवान और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना, फिर से भगवान बता रहे हैं, कर्म फल की इच्छा मतलब होता है कि अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ। तो निजी स्वार्थ में मैं और मेरा भी आ जाता है। इट मे नॉट बी फॉर मी, बट फॉर माई चाइल्ड, बट फॉर माई फैमिली, बट फॉर माई कंट्री, दीज आर ऑल हम मुझसे रिलेटेड वस्तु है ना। ये कंट्री क्यों महान है, क्योंकि मैं इस कंट्री में पैदा हुआ। अगर अगले जन्म में मैं दूसरी कंट्री में पैदा होऊंगा तो मैं उस कंट्री को महान बोलूंगा, है कि नहीं। तो मेरे से रिलेटेड है, इसलिए तो ये मैं का ही एक्सटेंशन है, इसलिए इनमें से किसी का भी भला चाहने के लिए यज्ञ तप और दान किया जाए तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो कर्म फल की इच्छा के साथ यज्ञ तप और दान होगा। अगर हम ध्यान से सोचें तो देखिए, जो सारे यज्ञ दुनिया में जो कर रहे हैं वो किसी ना किसी अपने हित के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, कोई मृत्यु से बचने के लिए यज्ञ कर रहा है, कोई बच्चे की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है,
कोई घर ने नया बिजनेस नई दुकान खोली है तो एक यज्ञ है, आइए जी सब लोग, यज्ञ है। क्यों? नया बिजनेस खोला, हवन है आज, हवन। बड़े में घर में बच्चा पैदा हुआ है इसलिए हवन है। तो कहीं ना कहीं ये कर्मफल की इच्छा के साथ किया गया यज्ञ है। ऐसे यज्ञ बहुत सारे लोगों ने पहले किए, हाँ हम देखते हैं ऐसे तप, ऐसे दान सबने किए। जैसे कि हम सुनते हैं कितनों के बारे में, हम सुनते हैं कर्ण बड़ा दानवीर व्यक्ति था, हम सबने सुना दानवीर कर्ण, और ऐसे बहुत सारे। लेकिन क्या उसका दान भगवान की प्रसन्नता के लिए था? ऐसा लगता नहीं है, है ना, क्योंकि वो भगवान की तरफ नहीं था। आप कुछ भी कह लीजिए कि वो बंधा हुआ था अपने नियमों से या दुर्योधन के वचनों से या उपकारों से। हमारे जीवन में भी न जाने कितने लोगों ने उपकार किए हैं, लेकिन हमें शरीर देने वाला, हमें ये आत्मा देने वाला, ये सांस वगैरह, ये उपकार के बारे में क्या कहेंगे हम? हवा, पानी, अन्न, एक्चुअली हम इन उपकारों को मानते ही नहीं, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है। संसार में कोई चीज़ फ्री में अवेलेबल होती नहीं है, ये सब सोचने की बात है ना। सड़क में अगर कोई नोट पड़े मिल जाए तो हम ये नहीं कह सकते फ्री में, किसी के गिरे हैं भैया या किसी ने गिराए हैं, व्हाटएवर। जो चोर मेंटेलिटी है वो चीज़ों को फ्री मान लेता है, लेकिन जो ग्रेटफुल व्यक्ति है वो किसी चीज़ को फ्री नहीं मानता है, वो माउस देखता है उसके पीछे कोई व्यक्ति है जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसके प्रति हमें दान देने का। तो हम ये बात कर रहे थे कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं उसके बोझ से दबा हुआ था, मैं उसके बोझ से दबा हुआ था, मैं जो भी था बंधा हुआ था, लेकिन वास्तविकता में अगर हम भगवान के उपकार को सोचेंगे तो हमें लगेगा नहीं यार, इन सब के उपकार भगवान के उपकार के सामने क्या है, है ना। तो एनीवे हम ये कहना चाह रहे हैं कि कर्ण भी एक दानवीर व्यक्ति था, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने दान नहीं दिया, हाँ, इसलिए उसका अंत में जो भी हश्र हुआ आप जानते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि रावण बहुत तपस्वी व्यक्ति था, तप बंद नहीं करना चाहिए, रावण ने तप बंद नहीं किया, लेकिन उसका तप भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था, कर्म फल की इच्छा के साथ था, हाँ। उसी तरह से इंद्रजीत के बारे में हम सुनते हैं, मेघनाथ यज्ञ करता था, उसको तो ये था जब तक वो यज्ञ करेगा तब तक वो हारेगा ही नहीं, लेकिन अल्टीमेटली ही गॉट चीटेड, हाँ, क्योंकि माया इज द ग्रेट पावर। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, उसने भी यज्ञ प्रोसेस को भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, अपने कर्म फल की इच्छा के लिए किया, ताकि मैं अमर बन जाऊँ, मैं युद्ध में जीत जाऊँ। तो माया ने इन सबको चीट कर दिया समय समय पर, क्योंकि इन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं किया, और माया शक्ति भगवान की शक्ति है, उससे जीवात्मा जीत नहीं सकती है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। जो कृष्ण की शरण में नहीं है उसको माया चीट कर लेती है। इधर भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नितां तरन्ति ते, कि इस माया को जीत वही सकता है जो मेरी शरणागति है, अन्य कोई व्यक्ति संसार में जीत नहीं सकता। रावण हो, कुंभकर्ण हो, कुंभकर्ण तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया, हाँ, ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया माया को। ब्रह्मा जी ने कहा ये देखिए इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, इनके एक भाई ने ऑलरेडी अमरता का वरदान मांग लिया है, मैंने किसी तरह इसको निपटाया है, ये दूसरा भी कुछ मांग लेगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं मृत्यु का विजेता बनूं, या जो भी बोला उसने, इंद्र के शासन पर बैठूं, उन्होंने कहा मैं निद्रा पे सिंहासन पर बैठूं, हाँ, तो वो तो उसको तो वहीं पर चीट कर लिया। तो वी ऑल गेट जितने भी हम इंटेलिजेंट बनने का प्रयास करें, हमारी इंटेलिजेंस भगवान के इंटेलिजेंस के सामने कुछ नहीं है, तो वी ऑल गेट चीटेड बाय दिस माया। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक लोग, रिसर्च लोग चीटेड, दे आर गेटिंग चीटेड बाय डिफरेंट अट्रैक्शंस। कोई बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर रिसर्च करते करते उसकी ज़िंदगी बीत गई, कोई दूसरे प्लेनेट पे बना जाने के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी बीत गई, एंड दे गॉट चीटेड, एक्चुअली दे वेस्टेड देयर ह्यूमन लाइफ बाई ऑल दिन। तो ये समस्या, इसलिए यही तप, यही यज्ञ, यही दान हर व्यक्ति कर रहा है समाज में, कर रहे हैं सब लोग, लेकिन ये सब लोग कर्म फल की इच्छा के साथ कर रहे हैं, या और ज़्यादा बेहतर बोला जाए भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे, इसलिए इनको वो वांछित फल नहीं मिल रहा, बल्कि ये लोग ऐसा लग रहा है कि ये लोग ठगे जा रहे हैं, हाँ, अगर कोई ध्यान से देखे समझे तो। इसलिए अर्जुन भी एक और, हम भगवान क्या कहते हैं कि ऐसी दिव्य क्रियाओं का, ये दिव्य क्रियाएं हैं, यज्ञ तप और दान, दिव्य क्रियाएं जानते हैं ना, दिव्य का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, तीनों गुणों से परे, या शुद्ध सतोगुण की बात कर लें, हाँ, तो ये दिव्य क्रियाएं हैं। ऐसी और भी दिव्य क्रियाएं हैं, त्याग है, अर्जुन त्याग रहा था सब कुछ, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, हाँ, तो भगवान यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये जो दिव्य क्रियाएं हैं ना, इनका उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं त्याग। आप किस लिए त्याग रहे हो अर्जुन? आप तो आउट ऑफ अटैचमेंट त्याग रहे हो,
पिताजी के लिए, माताजी के लिए, गुरुजनों के लिए, इनके लिए, बंधुओं के लिए। तो ये रजो या सतो या रजो या तमोगुण में त्याग कहलाएगा। इसलिए ये वास्तविक त्याग नहीं है। वास्तविक त्याग भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। कई बार लोग त्यागी बनते हैं ना, आएगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो खैर, मुख्य चीज़ यहाँ पर समझने की है कि मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना, पहली बात तो जब हम यज्ञ तप दान कर रहे हैं, यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तभी वो सही माना जाएगा। कितने लोग भारत में तपस्या, तो मैंने बड़े बड़े लोग बोले, इंद्रजीत इत्यादि, हम लोग कितने भारत में कितने लोग तप करते हैं, है ना। कई लोग गोवर्धन की दंडवती पंडित परिक्रमा करते हैं, कई लोग बहुत सारे व्रत रखते हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, ये सब तपस्याएँ तो हैं, लेकिन ये तपस्याएँ सतोगुण में तपस्याएँ नहीं हैं, क्योंकि ये कर्म फल के साथ हैं, है कि नहीं। उस व्रत का नाम ही यही है, पुत्र की रक्षा के लिए, पति की रक्षा के लिए, ना है ही व्रत का पर्पज ही वही है। तो ये इसलिए दिव्य क्रिया नहीं हुई, भगवान को प्रसन्न करने वाली नहीं हुई, ये रजो या तमोगुण की तपस्या हुई, जो कि संसार में हमें बार बार लेके आएगी। क्यों? क्योंकि भगवान आखिरी लाइन में कह रहे हैं कि यदि हम कर्मफल की इच्छा के बिना भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ तप और दान करते हैं तो ऐसी दिव्य क्रियाएँ हमें भवबंधन से मुक्त कर देती हैं, हमें दोबारा, वी डोंट टेक द बर्थ अगेन इन दिस मेटल वर्ल्ड, हमें संसार से मुक्त हो जाते हैं यदि हम भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए तप धन दान और यज्ञ करें तो, जो कि हर व्यक्ति को करना ही करना है। हमें दान देना ही देना है, हमें तप करना ही करना है, हमें यज्ञ, हमें सेक्रीफाइस, हमें त्याग भगवान के लिए करना ही करना है। यही असली कर्मयोग है, वास्तविक कर्मयोग ये है। तो ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वास्तव में, यहाँ पर जो भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ये शास्त्रों का पर्पस अल्टीमेटली भगवान के धाम में जाना है। अगर कोई कहेगा कि ये भी तो कर्मफल की इच्छा हुई भाई, ये भी तो आप कर्मफल की इच्छा कर रहे हो कि भवबंधन से मुक्ति, ये मुक्ति, ये जो इच्छा है हमारी भवबंधन से मुक्ति की, ये वही इच्छा है जो भगवान की भी इच्छा है। ऐसी इच्छा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भगवान भी क्या चाहते हैं, ये मेरे बच्चे, है ना, माता पिता क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। हाँ, ये परम माता पिता हमारे क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। उनका पर्पज़ ही यही है। वो हमें दंडित करने के लिए संसार को नहीं बनाते हैं, वो हमें दोबारा से वापस बुलाने के लिए संसार को बुलाता है कि हम शुद्ध होकर समझ के वापस जाएं। इसलिए ऐसी इच्छा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा से मेल खाती है। हाँ, तो ये कर्मफल, कर्मफल की इच्छा होती है भौतिक कर्मफल, मैं और मेरा ये भौतिक परिवार, मैं और मेरा ये राष्ट्र, मैं और मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा ये, मेरा वो, इन सब से रिलेटेड चीज़ों के कर्म फल जो है, उस फल की इच्छा के बिना हमें त्याग करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, जिससे उस परम भगवान की प्रसन्नता हो, तब हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, जो कि अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है और भगवान का भी ऑब्जेक्टिव है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद्गीता की जय।